खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से है, जहां आशा कार्यकर्ताओं और आशा सुपरवाइजर ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगों को जल्द पूरा करवाने का निवेदन भी किया। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। आज जिला बुरहानपुर में आशा कार्यकर्ताओं ने अपने लंबित मानदेय के संबंध में ज्ञापन दिया है और मानदेय के साथ साथ में उनके साथ विभिन्न मांगे हैं, जो सॉफ्टवेयर और यूएन पोर्टल और अन्य जो ऐसे कार्य जो वो करने में सक्षम नहीं है उनसे उनको मुक्त रखा जाए, ये पूरी सात मांगे इनकी है और वो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री मोदी के नाम से शासन को प्रेषित किया जाएगा। किया जा रहा है जो कि ऑनलाइन एंट्री होती है उसका सॉफ्टवेयर का ज्ञान मतलब सभी आशाओं को नहीं है और हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं है और वो हमको बिना मानदेय के ये कार्य हमसे करवाया जा रहा है और जो हमारी राशि बढ़ी है 4,000 रुपए हमें सिर्फ एक बार देकर उसके बाद में हमें वो पैसा भी अभी तक दिया नहीं गया है। हमारी जो पेमेंट बनती है उसमें से हमें आधा दिया जा रहा है, आधा 6-7 महीने हो गए हमारी पेमेंट नहीं हुई है भैया।